में आपका स्वागत है। सरकार के निर्देशानुसार काफी एप्स ब्लॉक कर दी गई हैं, जिसके कारण अब आप ये एप्स डाउनलोड या इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। असुविधा के लिए हमें खेद है। खत्म। सो गाइस, जब से अपना गेम फ्री फायर पहले ऐप स्टोर से हटा, ठीक है, फिर अपना प्ले स्टोर से हट गया, एंड एयरटेल वालों को तो पहले ही एल लगे पड़े थे। एंड एयरटेल वाले अभी तो साफ साफ बोल देते हैं, देखो इन कॉल रिकॉर्डिंग्स को आप झुटला नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोगों ने तो खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखा, कॉल करके देखी, वो तो बोल देते हैं साफ साफ ये ऐप्स बैन हो चुके हैं हाल फिलहाल में ही, ठीक है। एंड अभी आप सोच रहे हो ऐसा एयरटेल वालों के साथ ही क्यों हो रहा है, और नेटवर्क पे तो मस्त चल रहा है। चलो गाइस, अभी आप इस वाले आर्टिकल को बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं पढ़ रहे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद मैं आपको बहुत ही जरूरी चीज दिखाऊंगा। कल रात में एक और न्यूज आई है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐप्स बैन किए हैं, और बिल्कुल मतलब ऑफिशियल ट्वीट सा है वो उसके बाद दिखाऊंगा। पहले आप इस वाले जो आर्टिकल है इसका मतलब समझो। इसमें ऐसा लिखा गया है गाइस, मई 2020 में अपना जो पबजी है उसने अपने एयरटेल के साथ कोलैब किया या पार्टनरशिप की या बॉन्ड बनाया जो भी है, और उसके तहत एयरटेल वालों को पबजी मतलब पबजी गेम को अपने इंडिया में स्प्रेड करना था। एंड साथ में गाइस इस वाले आर्टिकल में ये भी लिख रहा है कि वो जियो के साथ भी मतलब रिलायंस के साथ भी करने वाले थे, लेकिन अपना पबजी बैन हो गया था। आप देख सकते हो यहाँ पे लिख रहा है, कहाँ है भाई, पबजी मोबाइल वाज बैन ऑन सेप्टेम्बर 2 इन इंडिया। मतलब पढ़ोगे आप इसको, पढ़ लेना ध्यान से। एंड गाइस देखो, ये तो रही एक आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल देखो भाई, ये इंडिया टीवी का आर्टिकल है, इंडिया टीवी समझ रहे हो। इसमें क्या लिख रहा है गाइस, इस वाले आर्टिकल में ऐसा लिख रहा है कि 2020 में जो पबजी का प्रो लीग हुआ था ना, तो उसमें प्रेफर जो नेटवर्क था भाई वो था एयरटेल, मतलब एयरटेल पे खेलने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोला जा रहा था एक तरह से। एंड साथ में दूसरी बात ये थी, यही नहीं, जो एयरटेल यूजर थे ना उनके लिए इस टूर्नामेंट के जो स्पेशल मूवमेंट थे एयरटेल एक्सट्रीम पे जो भी होता है ना, उसमें बिल्कुल फ्री दिखाए जा रहे थे। सो गाइस, इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ के आपको साफ साफ दिख गया होगा कि अपना एयरटेल और पबजी पुराने दोस्त है, पुराने पार्टनर हैं, एंड आपका गेम भी नहीं खुल रहा है एयरटेल की तरफ से, मतलब जो नेटवर्क कनेक्शन एरर हो रहा है, फ्री फायर नहीं खुल रहा है एयरटेल के वाईफाई से सिम से। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एयरटेल वाले वहाँ से भी साफ साफ बोल देते हैं जो उनके कस्टमर पे कॉल करते हैं कि बैन हो चुके हैं कुछ ऐप। तो क्या लगता है आपको, मैं तो चलो आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, कमेंट बॉक्स से बताना, ठीक है, बताना कमेंट बॉक्स में यहाँ से। दूसरी चीज गाइस, कल रात में मतलब शाम के टाइम ये ट्वीट आया, पहले तो गाइस इसके इतने टैग आ गए भाई, 200-300 टैग आ गए इंस्टा पे, पहले मैं इसको फेक समझ रहा था, लेकिन भाई जब मैंने थोड़ा सर्च किया ईटी नाउ के मैं वहाँ पे गया ट्विटर पे, तो रियल ट्वीट है भाई ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन्स अराउंड 50 मोर ऐप्स। यहाँ पे लिखा गया है 50 और ऐप बैन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, एंड उनमें वो ऐप भी हैं वो क्लोन मतलब कॉपी ऐप भी है जो पहले बैन किए गए थे, टोटल मिला के 270 ऐप हो गए। सो गाइस, नीचे आप पढ़ पा रहे हो तो साफ साफ लिख रहा है कि 50 मोर ऐप्स बैन किए गए हैं, एंड ईटी नाउ येट टू गेट फुल लिस्ट ऑफ बैंड ऐप। अभी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। न्यू बैन आल्सो कवर चाइनीज ऐप, चाइनीज ऐप्स भी उनमें बैन है। न्यू बैन आल्सो इंक्लूड, मतलब यही भी लिख रहा है कि कॉपी और बैन हो जाएंगे, एंड गोल एज सो फार बैंड मोर देन ये। चलो गाइस, यहाँ पे कहीं नहीं लिख रहा कि फ्री फायर बैन होगा, कहीं नहीं लिख रहा, साफ साफ लिख रहा है कॉपी वाले ऐप होंगे बैन और चाइनीज ऐप बैन होंगे जो चाइनीज वाले हैं, ठीक है। तो आप टेंशन तो लो ही मत भाई, कितने टैग आ रहे हैं भाई कल से, ठीक है। तो अभी आप जैसे फ्री फायर के साथ खड़े हो मुश्किल टाइम में, ऐसे ही खड़े रहो जैसे मैं खड़ा हूँ, सपोर्ट करते रहो। और हाँ भाई लोग, मेरे को सपोर्ट से याद आया, जो मैंने रिसेंट व्लॉग्स अपलोड किए हैं आप लोगों ने उन पर यार गेमिंग वीडियो से कई ज़्यादा गुना प्यार दिखाया, तो आपके भाई ने आप लोगों के लिए एक चैनल ओपन किया सिर्फ व्लॉग्स का, ठीक है। एक मैंने वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग भी अपलोड किया है, तो मैंने देखो लिंक दी हुई है, इस लिंक पे जाओ, पहला काम क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना है। मैं देखना चाहता हूं आप एक दिन में कितने सब्सक्राइब कर सकते हो, कितना सपोर्ट दिखा सकते हो, तो यूजी फैमिली जाके करना वहां पे सब्सक्राइब। और साथ में मैंने अभी कुछ नाम नहीं रखा उस चैनल का, मतलब कंफ्यूज हूं, तो सिंपल यूजी आयुष नाम रख दिया है। तो कमेंट में जाओ इस वीडियो के एंड नेम सजेस्ट करो, जिस नेम पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे कमेंट पे मैं सिंपल अगले दिन चैनल का नाम वही रख दूंगा। तो आपको क्या करना है, लिंक पे जाओ, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना, डेली व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो व्लॉग वाले लोगों रेडी। एंड गाइस, अभी हम अपने वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी गाइस आप कुछ रिकॉर्डिंग सुनो जो कि अपनी जियो और वोडाफोन के सर्विस सेंटर की है। देखो आपने एयरटेल वाली तो सुन ली होंगी यार, ठीक है, वहाँ पे तो सीधे सीधे बोलते हैं कुछ ऐप बैन हो चुके हैं, लेकिन ये वाली रिकॉर्डिंग गाइस की है अपने ओरा भाई ने, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से की है। एंड यहाँ पे आप देखोगे, पहले चलो आप देखो जियो की तरफ से। अभी अभी हाल ही में आज कुछ इस 2-3 दिनों के इंटरवल में कुछ बैन हुए हैं, आपके पास कुछ गाइडलाइंस आई, वो पहले जो 59-69 हुई थी वो तो अलग बात है, बाकी हाँ जी बिल्कुल, अभी 2-3 दिन के अंदर तो कोई नहीं, ऐसे मेरी बात भी हो चुकी है सीनियर से। हाँ 2-3 बिल्कुल, 2-3 दिन के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, 2-3 दिनों के इंटरवल में कुछ भी नहीं हुआ ना, अभी आपके पास गाइडलाइन नहीं आई ना? राइट, नहीं 2-3 दिन के अंदर तो कोई ऐसा नहीं लिखा रहा था मेरे पास। वही 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 चीज मैं कंफर्म कर रहा था, क्योंकि वहाँ ऐसा मैसेज आ रहा है, मैंने कहा सभी के सभी मोबाइल ऑपरेटर से बात करता हूँ मैं भी अपनी।
चलो गाइस, अभी आपने देखा जियो वालों ने साफ साफ कह दिया ऐसा कुछ निर्देश नहीं है, बहुत पहले आया, तो पहले वाले की बात कर रहे हैं जब पबजी बैन हुआ था 1.5 साल पहले, शायद 1 साल पहले, उसकी बात कर रहे हैं। अभी आप सुन लो, चलो वोडाफोन वाली गाइडलाइंस तो नहीं आ रही ऐसी, क्योंकि वो लोग तो एयरटेल वाले तो साफ बोल रहे कि सीधे बैन कर दिया, गाइडलाइंस आ गई, तो मेरे को भी लगा कि यार अच्छा कोई गाइडलाइंस नहीं है। चलिए चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो वोडाफोन की तरफ से भी ऐसा, मतलब गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इन सबको नहीं आया ऐसा कुछ नोटिस बैन वैन का, तो यहाँ पे ये कंफर्म करने के लिए किया था गाइस ये वाली कॉल रिकॉर्डिंग कि सबके पास है या सिर्फ एयरटेल के पास है, क्योंकि एयरटेल वालों की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो यहाँ पे साफ साफ हो गया गाइस किसी के पास अभी तक तो नहीं आया है ऐसा नोटिस, ठीक है। तो एयरटेल वालों की तरफ से ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मतलब क्यों? तो गाइस देखो, मेरे ख्याल से मैंने स्टार्टिंग में जो आपको बताया था एयरटेल और पबजी वाला बॉन्ड स्टार्टिंग में, शायद वो एक चीज हो सकती है इस वाले केस में जो एयरटेल से गेम नहीं चल रहा है। और गाइस दोनों थ्योरी में आपको क्या लगता है, क्या सच में जो ईटी वाला ट्वीट था गवर्नमेंट ने कुछ जो ऐप्स को बैन किया, क्या वो सच में है ये वाली थ्योरी है या क्राफ्टन और एयरटेल वाली है, क्या लगता है आपको कमेंट करके बताना। और तीसरा और मेन चीज गाइस क्या है पता है, अभी भी फ्री फायर ने अभी तक मतलब 2-3 दिन होने वाले हैं भाई, पूरा अनाउंस ही नहीं किया है, मतलब वो बता सकते हैं क्या भाई सच में ग्लिच है, क्योंकि भाई ऐसी तैसी मरी पड़ी है, फटी पड़ी है, मैं तो सही बता रहा हूँ। तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ गाइस फ्री फायर वालों को खुल के सामने आके बताना चाहिए क्या प्रॉब्लम है, मैं तो पूरा साथ हूँ अपने फ्री फायर के साथ भाई, कब से खेल रहे हैं यार, ठीक है, एंड शायद आप भी लोग होंगे, मैं तो भाई इस टाइम बिल्कुल साथ हूँ, आप बताना कमेंट बॉक्स में आप साथ हो या नहीं। गाइस मेरा ऐसा मानना है यार फ्री फायर वाले जल्दी से अनाउंस कर दे सच में ग्लिच है या क्या प्रॉब्लम है यार, जो भी प्रॉब्लम है एक साथ फेस करेंगे, ग्लिच ही है या जो भी है हम सब एक साथ फेस करेंगे। एंड साथ में मेरे को पता अभी आप अभी तक वीडियो देख रहे हो एंड मैंने पूरे दिन कल की आपको खबर दे दी, तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है, कर देना गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ कल की होगी मैं आपको न्यूज़ दे दूंगा, तो अभी आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ही है एंड कमेंट बॉक्स में अपने विचार देना, और साथ में व्लॉग वाले चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ये देख सकते हो, वहाँ पे जाके कमेंट करना, अपना नेम डिसाइड करना, मतलब सजेस्ट करना, डिसाइड नहीं। चलो गाइस बेस्ट ऑफ लक।